अहम खबर देंगे आपको। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 91 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत हुई। हुकूमत 220 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। हुकाम पावर डिवीजन के मुताबिक लाइफ लाइन और प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए कोई इजाफा नहीं होगा। हुकूमत सियासी बुनियादों पर प्रोटेक्टेड सारिफिन को बचाना चाहती है। चेयरमैन नैप्रा के मुताबिक जुलाई में 3.5 रुपए इजाफे से टैरिफ 18 रुपए 98 पैसे हो जाएगा। सितंबर में इजाफे से टैरिफ 22 रुपए 48 पैसे फी यूनिट हो जाएगा। हुक्म बुनियादी गलतियां हुई हैं। दरामदी फ्यूल पर प्लांट्स नहीं लगाना चाहते थे। टैरिफ में इजाफे से कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे मलिक सईद, हमारे साथ मौजूद हैं। जी मलिक सईद बताइएगा। जी बिल्कुल, आज नैप्रा में जो है वो बिजली का टैरिफ यूनिफॉर्म करने के हवाले से समाज के दौरान जो है वो पावर डिवीजन ऑफ काम की जानेब से बताया गया कि हुकूमत को 220 अरब रुपए की सब्सिडी जो है वो देगी टैरिफ पर, और प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए इजाफा ना करने से 50% सार्फिन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। चेयरमैन नैप्रा ने कहा कि नैप्रा की जाने से टैरिफ में तखीर के बयानात दी जा रहे हैं। हुकूमत सियासी बुनियादों पर प्रोटेक्टेड सार्फिन को बचाना चाहती है, ये हुकूमत का काम है। पावर डिवीजन हुकाम का बताना था कि जुलाई में 3.5 रुपए इजाफे से बुनियादी टैरिफ 18 रुपए 98 पैसे, जबकि सितंबर में मजीद इजाफे से बुनियादी टैरिफ बढ़कर 48 पैसे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।